फिल्म की शुरुआत में डाशन क्लब के गोलकीपर डुओ यू वांग को मिस्टर जिन नाम के एक आदमी ने मीटिंग के लिए बुलाया। वो उसे अगले मैच में जानबूझकर दूसरी टीम को जीतने देने के लिए बहुत सारे पैसे देने को तैयार था। वैसे डुओ यू का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने कई कारनामे किए थे, एक प्लेयर को काट लिया जिस वजह से उसे कई मैचेस के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा, अपने बदन पर खाना परोसा और न जाने क्या क्या। लेकिन इस सब के बावजूद उसने मिस्टर जिन से कहा कि वो बिकाऊ नहीं है और अब तो अगले मैच में दूसरी टीम को एक भी गोल नहीं मारने देगा। मैच के दौरान उसने एक जबरदस्त गोल रोका, लेकिन फिर ओवर कॉन्फिडेंस में 5 गोल खा लिए। वो इतना खराब खेला कि दूसरी टीम वाले उसे हवा में उछाल उछाल के सेलिब्रेट कर रहे थे कि थैंक यू भाई जितवा दिया। टीम से निकाल दिए जाने की वजह से डुओ यू बहुत दुखी था, लेकिन उसका एक साथी खिलाड़ी और बेस्ट फ्रेंड शैंग जुआंग उसे मनाकर कोच से बात करने के लिए ले आया। लेकिन वहां कोच ने उसकी जबरदस्त बेइज्जती करते हुए कहा, ओ देख बेटा, तेरी जगह कुत्ता ले लिया हमने टीम में वो भी बढ़िया खेलता है तेरे से इस पर शैंग जुआंग को गुस्सा आ गया और उसने कोच से कहा कि अगर मेरे दोस्त को टीम में वापस नहीं लिया ना तो मैं भी टीम छोड़ दूंगा। टीम छोड़ देगा? जा छोड़ दे, हमारी तो टीम ही बहुत बढ़िया हो जाएगी, फुद्दू प्लेयर सारे निकल गए। घर वापस जाते हुए एक आदमी सड़क पार करते समय उनकी गाड़ी से टकराने का नाटक करता है। मूड तो उनका वैसे ही खराब था, तो उन्होंने उसे पकड़कर पहले तो 3-4 बार गाड़ी पे मारा और फिर उसके बदन से एक कपड़े की तरह विंडशील्ड को साफ करने लगे। तभी वहां से जा रही एक लड़की शाजू ने उन्हें देख लिया और केजरीवाल के पक्के फैन की तरह उनके खिलाफ आंदोलन करने लगी। लोगों ने मिलकर उस आदमी को पीटने के लिए उन दोनों को अंदर करवा दिया। मिस्टर जिन ने उनकी बेल करवाई और डुओ यू को बताया कि वो कोई फुटबॉल कोच नहीं है और बीते दिन जो मीटिंग हुई थी वो उसकी खुददारी का टेस्ट था। वो उन्हें अपने ऑफिस में ले गया और डुओ यू को मिस्टर यिन और मिस्टर लाई से मिलवाया। उन्होंने उसे बताया कि उसके दादा का एक भाई भी था जो आपसी मनमुटाव के चलते परिवार से दूर हो गया। लगभग 1 महीना पहले ही उसकी मौत हुई है और डुओ यू उसकी पूरी संपत्ति का एक लौता वारिस है। लेकिन इससे पहले कि पूरी संपत्ति उसे दे दी जाए, डुओ यू को एक टेस्ट पास करना होगा जो उसके दादा ने मरने से पहले तय किया था। उसे 1 बिलियन युआन जो कि लगभग 1180 करोड़ रुपए बनते हैं, 1 महीने में खर्च करने होंगे। तभी उसे बाकी के 30 बिलियन युआन यानी लगभग 35,390 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन इस चैलेंज में कुछ रूल्स भी शामिल थे। पैसों का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता। महीने के आखिर में उसके पास अपना खरीदा हुआ घर या गाड़ी कुछ भी ना बचे। वो ये पैसे किसी को तोहफा देकर या चैरिटी में नहीं उड़ा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को काम पर रख सकता है, लेकिन उसे उनकी सर्विसेज यानी जिस काम के लिए उसने उन्हें रखा है उन्हें करने देना होगा। वो अपनी खरीदी हुई कीमती चीजों को खराब नहीं कर सकता, किसी चीज को जानबूझकर मार्केट वैल्यू से ज्यादा में नहीं खरीद सकता, और आखिरी नियम ये था कि वो किसी को भी इस गेम के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन अगर वो ये परीक्षा ना देना चाहे तो वो 10 मिलियन युआन लेकर यहाँ से जा सकता है, जिससे बाकी के पैसे ट्रस्ट फंड में ही रहेंगे और मिस्टर लाई और मिस्टर यून उन्हें जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डुओ यू ने चुनौती स्वीकार की, जिसके बाद मिस्टर जिन ने अपनी एक अकाउंटेंट को उसके पूरे खर्चे का हिसाब लगाने को कहा। ये कोई और नहीं बल्कि शाजू थी। उसे जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डुओ यू ने उसे तुरंत काम पर रख लिया। वो शैंग जुआंग को लेकर बैंक में अपने पैसे देखने गया। इतने सारे पैसे उन्होंने जिंदगी में नहीं देखे थे। तिजोरी से बाहर निकलते ही उन्होंने बैंक से मिले पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया। डुओ यू बैंक के सभी गार्ड्स को खतरनाक तनख्वाह पर हायर कर लेता है। इसके बाद वो अपनी फुटबॉल टीम के पास गया और उन्हें बताया कि वो उन्हें और चाइनीज मेन लीग के सबसे अच्छे क्लब को रेंट पर ले रहा है ताकि स्टेडियम की मरम्मत का काम पूरा होने पर वो दोनों टीम्स के बीच एक मैच करवा सके। लेकिन वो सब ये सुनकर उस पर हंसने लगे, तो उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसने जेसीबी भर के पैसे फुटबॉल ग्राउंड में गिरवा दिए। उसने कुछ गाड़ियां भी रेंट पर ली और अपनी पूरी टीम के साथ वहां से होटल के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वो शाजू के साथ अलग गाड़ी में बैठा और उस पर लाइन मारने लगा, जिस पर शाजू ने कहा, नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। जल्द ही वो सब एक आलीशान होटल में पहुंचे। वैसे तो वहां सिर्फ मेंबर्स अलाउड थे, पर डुओ यू ने मैनेजर को एक्स्ट्रा पैसे देकर पूरे होटल को 1 महीने के लिए रेंट पर ले लिया। मैनेजर खुश होकर सबको डाइनिंग रूम में ले गया, क्योंकि डुओ यू इस पैसे से अपने एम्प्लॉयज पर खर्चा कर सकता था और फुटबॉल टीम रेंट करने के बाद से वो सब एक तरह से उसके एम्प्लॉय ही हो गए थे, तो ये सब शर्त के नियमों के हिसाब से एकदम जायज था। उसने घोषणा की कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू कर रहा है जिसका सीईओ होगा शैंग जुआंग। इसे सुनकर वो बहुत भावुक हो गया,
पर वो कहां जानता था कि डुओ यू ने उसे सीईओ सिर्फ इसलिए बनाया है क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ है, और डुओ यू को पूरा यकीन था कि ये सारे पैसे डुबो के ही मानेगा। डुओ यू अपनी पूरी ताकत से पैसे खर्च करने में लग गया। करोड़ों के हेयर कट से लेकर महंगी गाड़ियां, फर्नीचर और कपड़े रेंट करने तक वो पैसे उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। शाजू ने उसे समझाते हुए कहा कि अगर वो ऐसे ही फिजूल खर्चा करता रहा तो 6 महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो बदकिस्मती से उसके प्लान के हिसाब से 5 महीने ज्यादा है। इतने में शाजू का बॉयफ्रेंड जियानिन लू वहां आ गया। वो थोड़ी देर में एक लेक्चर देने वाला था कि कैसे इंसान को पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सुनकर डुओ यू ने अपनी तिजोरी से ढेर सारे पैसे निकाले और जियानिन से कहा कि ये ले पैसे, ये टीचर गिरी छोड़ और मेरे पास माली लग जा। इतने पैसे देखकर वो झट से माली बनने को तैयार हो गया और खुशी खुशी में एक दो पैग भी चढ़ा लिए। शाजू को उसका ये रूप देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा और वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चली गई। अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी की पहली मीटिंग में डुओ यू ने जो सेक्टर्स लॉस में जा रहे हैं उनमें भर भर के पैसा लगाने को कहा। तभी वहां एक अजीब आदमी घुस आया जो अपने वाहियात आविष्कार के लिए फंडिंग चाहता था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से लोग जमीन पर भी तैर सकते हैं। ये सोचकर कि यहाँ तो पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, डुओ यू ने उसे जबरदस्त फंडिंग दी और उसके बाद तो उसने शार्क टैंक चालू कर दिया जिसमें उसने वहां मौजूद हर इंसान के आइडिया को फंडिंग दे दी। अगले दिन जब वो मसाज ले रहा था तो उसकी मसूस शाशा ने उसके साथ डिंग डोंग करने की कोशिश की। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी शाजू ने एंट्री मारी और डुओ यू को वहां से निकलने का मौका मिल गया। अगले दिन डुओ यू को शाशा मिस्टर यिन और लाई के साथ गोल्फ कोर्स में मिली। वो समझ गया कि उसे पक्का उन दोनों ने भेजा होगा ताकि वो डुओ यू को किसी तरह ये चैलेंज हरवा दें। लंच के दौरान जहां बाकी सबको आलीशान खाना परोसा गया, वहीं यिन और लाई को डुओ यू ने इंस्टेंट नूडल्स खिलाए क्योंकि शर्त के नियमों के हिसाब से वो सिर्फ अपने एम्प्लॉयज पर ही खर्चा कर सकता है। डुओ यू ने ढेर सारे पैसे देकर एक अमेरिकन बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर लफीट को चाइना बुलाया और खाने पर उससे पूछा कि कोई ऐसा बिजनेस सजेस्ट करो जिसमें सारे पैसे डूब जाए। वो बिजनेस कोच इस बात का बुरा मान गया और कहने लगा कि वो सिर्फ लोगों को सक्सेस के लिए ट्रेन करता है, फेलियर के लिए नहीं। वो बिना खाना खाए गुस्से में वहां से चला गया। डुओ यू पैसे खर्च करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। वो अपने शरीर के हर पार्ट के लिए अलग नौकर रख लेता है। मीटिंग में उसे पता चला कि उसने जिन कंपनियों पर पैसा लगाया था उनके शेयर्स की कीमत तो आसमान छू रही है और उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म खूब पैसे छाप रही है। ये सुनकर उसका मूड खराब हो गया। हमने देखा कि शाजू अपने घर में बैठी अकेली ही अपना जन्मदिन मना रही थी। तभी जियानिन लू वहां आया और उसे फूलों का एक गुलदस्ता दिया। शाजू को लगा कि वो उसके जन्मदिन के लिए वहां आया है, लेकिन वो तो अपने एक आइडिया की फंडिंग के लिए उससे सिफारिश करवाने आया था। शाजू ने वो केक उसके मुंह पे दे मारा। वो वहां से डुओ यू के पास गई जो पैसे खर्च करने के लिए एक आतिशबाजियों के शो का बंदोबस्त किए बैठा था। पूरा आसमान रंगों से भर गया। शाजू इसे देखकर बहुत खुश हुई और डुओ यू को बताया कि आज उसका जन्मदिन है। उसने भी मौके पे चौका मारते हुए कहा कि पता है, उसी खुशी में तो बम फोड़ रहे हैं। अगले दिन शाजू ने देखा कि डुओ यू ने पूरे शहर में उसके पोस्टर्स लगवा दिए थे जिसमें लिखा था कि उसे डुओ यू को अपना दिल जीतने का एक मौका तो देना चाहिए। उसने टीवी, रेडियो और यहाँ तक कि हॉट एयर बलून्स में भी ये चीजें लगवा दी। लोग शाजू को सेलिब्रिटी समझकर उसके साथ फोटोज खिंचवाने लगे। उसने डुओ यू को फोन करके ये सब हटवाने को कहा लेकिन उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। जब वो कैब से होटल जा रही थी तो उसने देखा कि वही आदमी जिसके चक्कर में उसने डुओ यू को पुलिस में दे दिया था, वो आज उसकी कैब के सामने भी टकराने का नाटक कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि उस दिन डुओ यू झूठ नहीं बोल रहा था। उसे मिलने पर शाजू ने कहा कि वो भी उसे बेहतर समझना चाहती है। डुओ यू ने उसके लिए होटल में ही एक प्राइवेट कॉन्सर्ट रखा जिसमें उसका फेवरेट सिंगर परफॉर्म करेगा। उन्होंने एक साथ खूब एंजॉय किया। वो रात के समय उसे डिनर के लिए बाहर लेकर गया जहां उन्होंने फुटबॉल खेली और नदी किनारे एक रोमांटिक वॉक पर भी गए। अगले दिन जब डुओ यू ने अपनी टीम को प्रैक्टिस करने की बजाय पार्टी करते हुए देखा तो उसने उनकी खुशी की वजह पूछी। शैंग शुआंग ने उसे बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 10 बिलियन युआन का प्रॉफिट बनाया है। ये सुनकर डुओ यू ने गुस्से में उसके मुंह पे मुक्का दिया और भागकर पूल में कूद गया। अगर उसके पास महीने के आखिर में एक युआन भी बचा तो उसे फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूरी मीडिया को बुलाकर ये अनाउंस किया कि वो मोटे लोगों के लिए इंश्योरेंस स्कीम चालू कर रहा है जिसमें कोई भी आदमी सिर्फ 1 युआन देकर रजिस्टर कर सकता है और कंपनी तुम्हें 1 ग्राम वजन कम होने पर 1 युआन देगी। यानी अगर किसी ने 1 किलो कम किया तो वो 1000 युआन लेकर जाएगा।
यिन और लाई ने इस बात पर खूब गुस्सा किया, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस एक लीगल बिजनेस है तो वो नियमों के हिसाब से एकदम जायज है। पूरे शहर में लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया और हर कोई अपना वजन घटाने में जुट गया। लोगों ने लिफ्ट छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। डुओ यू को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हालांकि उसने स्टेज पर बताया कि वो ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा है, ना कि इंसानियत के लिए, पर सबने सोचा कि वो सिर्फ बड़प्पन दिखा रहा है। फुटबॉल मैच वाले दिन हैंगटाई क्लब के कैप्टन ने दावा किया कि वो इस बकवास टीम के खिलाफ कम से कम डबल डिजिट्स में स्कोर करेंगे। हालांकि डाशेंग के सपोर्टर्स बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर्स में ग्रैंड एंट्री मारी। मैच शुरू होने पर शेंग जुआंग ने चोटिल होने का नाटक करके हैंगटाई क्लब के सबसे अच्छे खिलाड़ी को रेड कार्ड दिलवा दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाफ टाइम से पहले 8 गोल दाग दिए। अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए डुओ यू ने उन सभी से कहा कि कुछ भी करके उन्हें डबल डिजिट से नहीं हारना, लेकिन खेल फिर से शुरू होने पर उन्होंने एक गोल और मार दिया। डाशेंग के खिलाड़ियों ने मैच में अपनी पूरी जान फूंक दी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 10वां गोल नहीं खाना। उनके जज्बे को देखकर दूसरी टीम के सपोर्टर्स भी उन्हें ही सपोर्ट करने लगे। सब्स्टिट्यूट खत्म हो जाने के बाद कोच खुद खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरा, लेकिन फिसलकर गिरने की वजह से उसकी कमर में लचक आ गई। उन्होंने जैसे तैसे दूसरी टीम को 10वां गोल करने से रोक दिया। मैच खत्म होने पर दर्शकों और पूरी टीम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैच के बाद डुओ यू को शाजू के नंबर से एक फोन आया। एक अनजान आदमी ने कहा कि उसने शाजू को किडनैप कर लिया है और अगर उसने सुबह तक $10 मिलियन नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। डुओ यू के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अगर उसने वो पैसे किडनैपर्स को दे दिए तो ये चैलेंज के नियमों के खिलाफ होगा और वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन असलियत में ये उसके दादा का सेट किया हुआ आखिरी टेस्ट था, ये जानने के लिए कि वो इंसानी जिंदगी को पैसों से ज्यादा अहमियत देगा या नहीं। मिस्टर जिन को डुओ यू पर पूरा भरोसा था कि वो शाजू को बचाने के लिए पैसे जरूर देगा, लेकिन उधर डुओ यू तो बार में गाना बजाना कर रहा था। सुबह तक उसका इंतजार करके जैसे ही मिस्टर जिन और शाजू निराश होकर वहां से निकलने लगे तो उन्हें वो रोता हुआ पैसों के साथ सीढ़ियों पर बैठा हुआ मिला। उसके दादा की बनाई हुई आखिरी वीडियो चलाई गई और मिस्टर जिन ने उसे बताया कि वो $30 बिलियन का मालिक बन गया है। हमने देखा कि पूरी दुनिया घूमकर डुओ यू एक प्रेग्नेंट शाजू के साथ वापस लौटा। वो अब अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बच्चे के लिए भी थोड़ा पैसा तो रखना पड़ेगा। उन्होंने एक छोटी लिस्ट से शुरू करके उसमें इतनी चीजें घुसा दी कि उनके पास डोनेट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। अगर आपको इतने पैसे खर्च करने को मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताना। देखते हैं सबसे जबरदस्त कमेंट किसका होगा।